जैसे मीटिंग करते हैं तो उसमें हम क्या होता है कि सभी लोग अपनी बात अच्छी से नहीं रख पाती या कुछ अपनी बात को छिपा लेती है, जैसे हुआ प्रेम प्रसंग या मोबाइल इंटरनेट। तो इसमें मोबाइल इंटरनेट में सिर्फ बच्चों का ही कमी नहीं है, कुछ अभिभावक की भी कमी है। तो अभिभावक क्या है, मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, इसमें हमारा कोई जवाबदेही नहीं है। और यदि हम सर्कल में उस बात को रखेंगे तो उसको ऐसा एहसास होगा, नहीं कि बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमारे कमी के कारण बच्चे कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उस समय शायद वो सोच सकती है और बात के गहराई तक उसको समझने का एक जैसे शांत माहौल रहेगा, एक सबको सोचने का समझने का उस तरह का एक अलग माहौल वहाँ पर हो जाता है, तो उसको उस गहराई में जाने का मौका मिल सकता है बाबा को। और जो बात हम लोग मीटिंग के माध्यम से 10 मीटिंग में नहीं करते, शायद वो दो सर्कल में हो जाए, उतने बात उसके अंदर समझ में आ जाए, ऐसा हो सकता है। या कोई दूसरा मुद्दा है जहाँ पे हम नशा पान को लेके दुकानदार को बार बार जाके बोलता है लेकिन उसको उतना दुकान पे समझ भी नहीं आएगा, लेकिन यदि वो सर्कल में आके इस बात को उसको समझाए तो दुकानदार अच्छी तरह समझ जाएगा और अपने जवाबदेही के लिए शायद ज़्यादा मतलब कहना है हम गलत कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ज़्यादा लेंगे। इस तरह हम कई मुद्दे पर चर्चा कर सकते, जैसे प्रेम प्रसंग हुआ तो एक प्रीति का केस यहाँ पे है, उसको समझाने के लिए उसके रिलेशन, मुखिया, सरपंच, टीचर सब परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे। शायद उसको हम ज़बरदस्ती समझा रहे थे कि ये गलत है, वो प्रीति मतलब मान के भी वो अपना जीत पे रही थी। यदि हम उसको सर्कल में एक या किशोरी ग्रुप के सर्कल हो उसको अलग से हम समझाते तो और उसका भी हम राय पूछते तो शायद वो जल्दी समझ पाते, इस बात को इतना डिग नहीं हो पाता और इतना ज़्यादा लोग का जानने का मतलब मौका भी नहीं मिलता कि मुखिया जान गया, कोई रिलेशन में जान गया, तो इस तरह का कोई मौका नहीं मिल पाता। एक केस है मचोलिया का, तुलसी कुमारी को मतलब इसमें है कि तुलसी कुमारी एक बार घर से बाहर गई थी शौच के लिए, तो वहाँ पे कुछ लड़के उसको छेड़छाड़ मतलब कर दिए, कुछ अभद्र बात बोल दिए, तो गुस्सा में आके प्रीति उसको चप्पल दिखा दी, गाली दे दी। तो ये बात धीरे धीरे घर पे आके अभिभावक में मतलब वाद विवाद, मारपीट, ढेर सारा समस्या हो गया। और ये मतलब ये इतना मारपीट हो गया कि मतलब तुलसी की माँ को हॉस्पिटल लाना पड़ा, फिर उस पर केस हो गया, वो लड़का घर से भागा हुआ है। मतलब तुलसी भी एक डरी रहती है कि कहीं हम अभी जीविका में काम करती है, कहीं हम बाहर जा रहे हैं, कहीं लड़का दोबारा प्रतिशोध का मतलब बदला न ले ले, तो दोनों मतलब अपने आप एक अलग महसूस कर रही है। उसको भी डर रहता है कि कहीं पुलिस पकड़ लेगा, इसको भी डर रहता है कि कहीं फिर हमको कोई पीट दे या कुछ गलत कर दे। तो यदि हम इस पद्धति पे दोनों को बैठा के यदि करवाएंगे तो समस्या का सॉल्व भी हो जाएगा और आगे कोई दूसरा घटना उसके साथ ना हो तो दोनों अपने आप को सेफ समझेगी, एक नॉर्मल जीवन जी सकती है, तो शायद दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा।